सर्वेश जी से मैं जानना चाहूंगा कि आज के समय में बदलते हुए परिवेश में एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक हास्य कवि में क्या फर्क रह गया है। कारण यह है कि आप देखिए, जब हास्य कवि कविता बहुत छोटी सी सुनाता है और माहौल बहुत देर तक बनाता है, तो मंचों पर अब दर्शक ये प्रश्न पूछने लगे हैं कि मंचीय स्थितियों में वो कविता कहाँ खो गई है। ये काम जो आप कर रहे हैं, ये तो शायद अनु अवस्थी का होना चाहिए था। बहुत अच्छा सवाल है ये। और ये जो जो समय बदलता है, समय आगे बढ़ता है, समय का पहिया चलता है, तो देश काल और परिस्थिति और स्थितियों में अंतर होता है। कवि सम्मेलन जब शुरू किया बच्चन जी ने, या उससे पहले जब भी शुरू हुआ होगा, तो उसमें कविता पढ़ी जाती थी, कोई ताली नहीं बजती थी और सब लोग सुन लेते थे। बाद में कवियों को प्रणाम करते थे और खाना वाना खिला देते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब कविता का व्यवसायीकरण हुआ, बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ, बड़े मंच पर हूँ, कविता का व्यवसायीकरण हुआ तो जो आयोजक था वो सिलेक्टर हो गया। पहले कवि संयोजक होता था, वो कवियों को बुलाता था, 8 गीतकार होते थे और एक हास्य का कवि बुलाया जाता था कि बस चलो ये है। और हास्य बहुत बैकग्राउंड में रहता था, क्योंकि उस समय भले हमारे पास अभाव था लेकिन खुशियाँ थीं, तो हमें हास्य की बहुत ज़रूरत नहीं थी। आज हमारे पास अभाव नहीं है लेकिन खुशियों का बहुत अभाव है, तो हमें हास्य की ज़रूरत पड़ रही है, तो गीत थोड़ा पीछे गया। अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ जो आपने सवाल किया है। जब वो सिलेक्टर हुआ, उसने चंदा लेकर के काम करना शुरू किया, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस आने लगी कि हाउ यू परफॉर्म, हाउ यू डिलीवर योर पोएट्री। अब पोएट्री कभी नहीं मरती, कविता कभी नहीं मरती। लोग सवाल करते हैं, मीडिया के लोग, क्या मंच की कविता मर रही है? तो मैं यही जवाब देता हूँ कि कविता कभी नहीं मर सकती, क्योंकि अगर जो मर जाएगी वो कविता है ही नहीं, कविता जिंदा रहेगी। अब स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों कवि के रूप में स्वीकार किए जाने लगे? कवि नहीं स्टैंड अप कॉमेडियन बन सका। अनु अवस्थी 2 लाख रुपए लेते हैं, ये वही चीज़ें कहते हैं जो हम लोग लिखते हैं। ये तो खैर मतलब उदाहरण है, ये तो खुद ही लिखते हैं, लेकिन इस देश के जितने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं वो कवियों, हास्य कवियों की लिखी हुई टिप्पणियों को मिमिक्री करके सुनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं और बहुत पैसा लेते हैं। वही सर्वेश अस्थाना, वही टिप्पणियाँ उन्होंने लिखी हैं, लेकिन जब वो मंच पर होंगे तो उस आदमी को मिलेंगे 7 लाख रुपए, सर्वेश अस्थाना को मिलेंगे 55,000 रुपए। तब क्या हुआ, सर्वेश अस्थाना ने ये देखा, अब मैं गंभीर मोड पर आ रहा हूँ, फिर आप आ जाइएगा। सर्वेश अस्थाना ने ये देखा कि जब ये व्यक्ति मेरी चीज़ें चुरा करके, मैं बहुत बोल्डली बोल रहा हूँ, कि जब मेरी चीज़ें चुरा करके उनको अपने ढंग से प्रस्तुत करके इतना ज़्यादा लविश अपना जीवन बना रहा है, इतना जो है लग्जरी लाइफ वो जीने की तरफ बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा उस तरफ चल करके अपनी खुद की चीज़ों को वैसे ही प्रेजेंट करने लगें और हम भी कुछ समृद्धि और लग्जरी लाइफ प्राप्त कर सकें। लेकिन जो उस हास्य कवि के भीतर कवि है वो कभी नहीं मर सकता। उस पर माधव मधुकर कहते हैं कि होठों की हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। हम हास्य कवि लोग बहुत पीड़ित हैं इस बात से कि हमारे मंच पर वो मिमिक्री वाले लोग बुलाए जाते हैं जिनको हम नहीं चाहते, लेकिन मीडिया के हाउसेस कराते हैं, कॉरपोरेट हाउसेस कराते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्पॉन्सरशिप तब मिलेगी जब मंच पर वो विदूषक होगा। हम कवियों के नाम से स्पॉन्सरशिप नहीं ला सकते, तो हमें हार मान करके उस विदूषक को स्वीकार करना पड़ता है और उसके सबॉर्डिनेट टाइप की स्थितियों में हम लोग मंच पर बैठ करके कविता को जिंदा रखने का, स्वस्थ हास्य जिंदा रखने का प्रयत्न करते हैं। प्रश्न ने बहुत गहरा असर सर्वेश जी पर किया है और उनकी आंखों में सच्चाई आप देख रहे थे। ये बदलता भारत है, ये मटीरियल वर्ल्ड है, ये भौतिकवादी दुनिया है, परिभाषाएँ बदल रही हैं, वर्जनाएँ टूट रही हैं, आपसी गैप्स बहुत थिन होते जा रहे हैं और पता पाना बहुत मुश्किल है कि वास्तव में कौन किस विधा का व्यक्ति है। बहरहाल सर्वेश जी के साफ गोई के लिए मैं चाहता हूं तालियां जरूर बजनी चाहिए। रैपिड फायर राउंड है, तो दुनिया मतलब मान लो APJ अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन थे, तो मिसाइल मैन थे, उन्होंने काम किया, मिसाइल्स बनाई, मिसाइल मैन बने। अब तुम अपन नाम के आगे लगाओ स्माइल मैन, तो मतलब कि स्वयंभू स्माइल मैन हो कि तुमका कोनो देश है, मतलब ये पदवी हमको भी बताओ। अच्छा ये बताओ, जब आदमी अपन इज्जत खुद करी तब दूसरे लोग की इज्जत करते हैं, है ना? तो यो हम रखा या कोई रखा, लेकिन खूब ठहाका लग रहे रहा। राहत इंदौरी साहब हमारे बहुत बड़े शायर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत हम उनको मोहब्बत करते हैं,
उन्होंने कहा कि सर्वेश तो स्माइल मैन है, बस दैट वॉज द डे हम स्माइल मैन हो गए। और अब लगभग 5-6 वर्ष हो रहे हैं स्माइल मैन, मेरे जितने सृजन के साथी हैं, हमारे जितने हमारे सब लोग हैं, सब हमें स्माइल मैन कहते हैं। और घर में हम जैसे गुस्साए चले थे, अब हम गुस्साए नहीं पाए, जैसे हम किसी बात पे गुस्साने चले तो हमारा लड़का बैठे समय कहा पापा आप तो स्माइल मैन हो, आप गुस्साते क्यों हो? इस चक्कर में हम बिना नमक की दाल खाते हैं, हम गुस्सा नहीं सकते हैं। इस चक्कर में हम खूब नमक की दाल खाते हैं, गुस्सा नहीं सकते। हमको कभी चीनी पड़ी हुई चाय नहीं मिलती, क्योंकि हम स्माइल मैन हैं। कई बार आप लोग हास्य के माध्यम से भी जो है सामाजिक कुरीतियों की तरफ और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाओं के प्रति आप ऐसे व्यंग्य करते हैं जो बहुत दूर तक उसका मैसेज जाता है। और ये देश का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक जागरण, संवाद के माध्यम से श्रोता और मंच के बीच का जो मेरी जो गंभीरता की तरफ मैं आपको इंगित कराना चाहता हूँ। आप लोग कई बार साहित्यिक मंच पर ये देखा गया है कि जो आप जैसे बड़े कवि हैं या बड़े लेखक हैं या बड़े साहित्यकार हैं, एक प्रश्न तो मेरा ये है कि छोटों को मौका नहीं देने का आरोप लगता रहता है कि छोटे ये कहते हैं कि आप उन्हें मंच नहीं देते, लॉबिंग होती है साहित्य के मंच पर। आत्मप्रकाश जी, मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी चूँकि ये संवाद का कार्यक्रम है तो आप इस पर भी प्रकाश डालें। पिछले दिनों हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी थे, उनके भी कन्वेंशन सेंटर पर सर्वेश जी आप मौजूद थे, जब दो बड़े कवियों के बीच में नोकझोंक हुई, तो ये इस तरह की जो है जो लर्नेड श्रोता यहाँ बहुत ही लखनऊ का विद्वत श्रोता भी बैठा हुआ है, क्या आप जैसे विद्वान कवि अनु अवस्थी जी जैसे, मालविका जी जैसे और प्रकाश जी जैसे लोग क्या इस ओर कोई प्रयास करेंगे कि जिससे नए कवियों को मौका मिले और मंच की जो लड़ाई है वो मंच की लड़ाई ना होकर समृद्ध मंच की तरफ जो है वो जाए। मैं चाहता हूँ कि दैनिक जागरण के संवादी कार्यक्रम में आप ये बात श्रोताओं को बताएं। जी मुकेश जी, ये बहुत आवश्यक सवाल भी है और आवश्यक मुद्दा भी है और चर्चा का विषय भी ये होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत स्तर पर बात करूं लखनऊ से, तो लखनऊ में सृजन नाम की हम लोगों ने संस्था बनाई, सृजन के सारे सदस्य यहाँ सौरभ से लेकर के सब बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल पूरी तरह से कमिटेड होकर के हमने युवाओं को मंच दिए हैं और यहाँ से लखनऊ से हमारे लाल किले तक हमने यूथ को भेजा है अपने। तो यहाँ पर जो हमारे सीनियर्स थे, व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है, वो अपने अस्तित्व की चिंता में बिजी होता है, वो चाहता है कि उसका अस्तित्व बना रहे, वो भी जिंदा रहे, मंच पर चलता रहे, पहले वो अपने बारे में सोचता है। मैं आपको ईमानदारी से दैनिक जागरण के मंच से कह रहा हूँ कि 35 वर्ष में लखनऊ में जो हमारे सीनियर्स थे हास्य व्यंग के, कभी किसी भी कवि ने मुझे कहीं पर भी रिकमेंड नहीं किया। मैं आज ये मंच पर से कह रहा हूँ, 35 वर्ष मैंने खुद मेहनत की, लोगों से मिला, अखबारों में गया, अपने लेख दिए, अपनी कविताएं दी और छपे। तो हमें स्वाध्याय करना पड़ा, हमें श्रम करना पड़ा और हमें मौके मिले। आज जिन सीनियर्स ने हमें मौका नहीं दिया, लेकिन हम उनको बुलाते हैं, उनकी अध्यक्षता कराते हैं और हम नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये पहले प्रश्न का जवाब था। दूसरा, ये जो आपने कहा कि कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम हुआ, उसमें दो लोगों का, दोनों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बड़े लोग हैं, स्टारडम वाले लोग हैं, लाखों लाखों पेमेंट लेते हैं। वहाँ पर जो उन दोनों के बीच में था वो सिर्फ कोलिजन ऑफ ईगो था, दोनों अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करना चाहते थे। इससे ये सिद्ध होता है कि वो कवि ही नहीं है जो अपने आप को बड़ा साबित करना चाहे, कवि वही है जो अपने आप को डाउन ट्रोडन रखे, जो अपने आप को नीचे रखे, जो खुद बैक हो जाए और दूसरे को मौका दे दे। अगर एक ने बोला था तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ ऐसा लग रहा था कि लोग महामहिम के सामने ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम बड़े कवि हैं, हम बड़े कवि हैं, हम बड़े कवि हैं। पूरे शहर ने उस पूरी घटना को पसंद नहीं किया था। तो मैं विद्वज्जन, सारे विद्वज्जन बैठे हैं, मैं एक तो आयोजकों से ये निवेदन करूँगा, जो जिसमें मीडिया के हाउसेस भी हैं, जब वो कवि सम्मेलन कराएं, उनको जो प्रायोजक मिलते हैं वो उनको किसी भी कलाकार के चेहरे की वजह से नहीं मिलते, ये सिर्फ कहने की बात है, उनको उनके ब्रांड के नाम पर मिलते हैं। अगर दैनिक जागरण को प्रायोजक मिलते हैं या अन्य अखबारों को प्रायोजक मिलते हैं या टीवी को मिलते हैं तो उनके ब्रांड की वजह से मिलते हैं। और वो ऐसा करें कि वो कवियों के चयन में सतर्कता बरतें, कवियत्रियों के चयन में सतर्कता बरतें। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज मंच पर लगभग 56 कवियत्रियाँ हैं
उन 56 कवियत्रियों में से मुश्किल से 8-10 कवियत्रियाँ हैं जो कवियत्रियाँ हैं, बाकी सिर्फ रूप सौंदर्य और गले के मल्लिकाएँ हैं। लेकिन उनकी जब कोई करता है कवि सम्मेलन तो कहता है वो बड़ी खूबसूरत है, वो ये है वो है, और उनको उन लोगों ने स्टार वैल्यू दे दी है जबकि उनको कविता लिखना नहीं आता, उनको सिर्फ गला है और सौंदर्य है। ऐसे में हम लोग जो वास्तव में कविता लिख रहे हैं, मेहनत करके व्यंग्य लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, गज़ल लिख रहे हैं, बहुत हताश महसूस करते हैं। तो इसके लिए आयोजकों की भी जिम्मेदारी है कि मंच की शुचिता को बढ़ाने के लिए, मंच में कविता को वापस स्थापित करने के लिए कवियों के चयन में सतर्कता बरतें। लंबा सा उत्तर दिया सर्वेश जी ने, लेकिन चूंकि मुकेश जी आपने मेरा नाम भी लिया था इसलिए बहुत संक्षेप में अपनी बात कह देता हूं। बेशक इसमें कोई शक है नहीं, यह मार्केटिंग और ब्रांडिंग का ज़माना है। आज कविता और कवि भी सब अपनी मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग खुद कर रहे हैं, और जो नए बच्चे हैं, उदीयमान कवि हैं, उनके पास तो बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है उनके पास, वो अपने वो वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। सोशल मीडिया की देन अनु अवस्थी हमारे बीच बैठे हुए हैं, तो हम उस युग में जी रहे हैं जब किसी को किसी के बहुत ज़्यादा वरद हस्त की आवश्यकता है नहीं। हाँ, बेशक मीडिया से जुड़े होने के नाते व्यक्तिगत रूप से दूरदर्शन में जो वंस मोर कार्यक्रम हमने शुरू किया, तो 52 एपिसोड्स में हमने तमाम उदीयमान कवियों को उसमें न सिर्फ बुलाया बल्कि उनकी कविताएं हमने यूट्यूब पर मंगवाई और उसको टेलीविजन पर दिखाया। तो धर्म है, फर्ज है, लेकिन ये सही है कि जो कालजयी होता है वो लंबे समय तक रहता है, अन्यथा काल की छलनी में बड़े बड़े छल गए, वो भी काल, उनको काल की जो छलनी होती है वो जो बेकार साहित्य है उसको छान देती है। एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारा चारों तरफ का माहौल है, कवि सम्मेलनों की दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की करी है क्योंकि पैसा भी यहाँ पर बहुत है, नाम भी है, बहुत जल्दी मिलता है। तो मेरी एक सहेली है, उसने अभी कुछ ही दिन पहले, हम लोग बैठे थे तो बड़ी छोटी सी बात कही लेकिन बड़ी पते की बात थी कि आजकल तो अंडा फूटते ही जो चूज़ा निकलता है ना, वो भी अपने आप को कवि समझता है कि मैं कवि हूँ। तो ये धैर्य भी होना चाहिए, नई पौध में भी ये धैर्य होना चाहिए कि जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वो एक लंबी यात्रा करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो धीरे धीरे, उनको भी मंच मिलेंगे, उनको भी उनकी जो जगह है वो मिलेगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए मेहनत करें। आज का समय ये है कि मेहनत कोई नहीं करना चाह रहा और फेम सबको बहुत जल्दी चाहिए, तो ये चीज़ नए लोगों को भी सोचनी पड़ेगी। बड़े तो अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं जहाँ तक वो निभाते हैं। जी, एक छोटी बात हम आऊँ कही, सर्वेश भैया ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत गंभीर जवाब दिया, और उनकी गंभीरता आप लोग समझे हो या ना समझे हो हम समझ गए। 56 कवित्रियाँ हैं, जहिमा 8 कवित्री हैं, 48 सुंदर हैं, तो केवल 8 का नाम इनसे पूछ लो, बाकी जब 48 आए तो आप जाप बनाए रहो।